एंड रेसिंग टुवर्ड्स 5,000 करोड़ विद इन 20 ईयर्स. इट्स अ फोर्थ लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी विथ हाइस्ट ग्रोथ रेट. वी हैव 12,000 फील्ड फोर्स, दैट इज द हाइस्ट फील्ड फोर्स इन इंडिया. एंड वी हैव 8 डिविजन्स. आउट ऑफ दैट ओटीसी इज 1 डिविजन. एंड वी आर डूइंग वंडरफुल इन ओटीसी डिविजन लाइक मैनफोर्स कॉन्डोम. देर आर सम नंबर वन ब्रांड लाइक प्रेगा न्यूज, अनवॉन्टेड 72. रेस्ट वी हैव डीओ लाइक एडिक्शन डीओ, गैसोफा. सो देर आर सो मेनी ओटीसी ब्रांड. दे आर डूइंग वंडरफुल इन इंडियन मार्केट. And thanks for your coming here. Thanks a lot. Or Sunny Association. See, firstly, I'll talk about the brand Manforce. Manforce is India's largest selling condom brand in the category. Condom category, if we talk about, is a 1,000 crore market, out of which Manforce holds 30% of the market share. Manforce has been awarded as the most talked about brand in the OTC category, and it is also the Asia's most promising brand. Manforce is the only brand in the category which is the king of flavors. We've been experimenting a lot with the textures and have been doing various innovations in the product. And likewise, Anurag asked me, why Sunny? So taking Sunny on board was the best marketing decision taken ever in mankind. Because as you can see, Manforce is the number one brand right now and Sunny is a rage. So this was, I suppose, a mutually beneficial deal for both Manforce and Sunny. And my best wishes to her. But yeah, very good, very good. Ishita, lekin yaar mail bhi ho sakta tha, brand ka ambassador kuch bhi ho sakta tha. See, Manforce is a brand has created a new dimension in the market by taking female endorsers. So when we are taking a female, that is a completely opposite in the category, being a male product. A female is very confidently expressing her desires, her emotions on television, which is again a click with the consumer. And as far as marketing is concerned, this has really helped us. क्या बात है? I think बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि Manforce सिर्फ सनी क्यों कर रही है ना, कि मेल ब्रांड भी हो सकता था, लेकिन आंसर तो बिल्कुल परफेक्ट है. और इस समय हमारे साथ में राजेश जैन साहब हैं प्रसार से. राजेश जी भूल ही जाते थे, तो हमने पहली बार तो वो किया. और दूसरा, एवरी ईयर जब भी हम सनी लियोनी के साथ में फिल्म आती है हमारी इस ब्रांड की, तो एवरीबडी वांट टू सी ऑन टीवी कि दिस ईयर व्हाट्स न्यू और कैसी फिल्म है, और सब देखना चाहते हैं. और सबसे ज्यादा रिकॉल वैल्यू अगर किसी ब्रांड की है तो वो मैनफोर्स की है, सनी लियोनी की वजह से. क्या बात है, बहुत. देखिए ऐसा है कि मैनफोर्स अपने आप एक ब्रांड ऐसा है कि जिसने बहुत सारी जगह पर अपनी बात पहुंचाई है. स्पॉन्सर रहे हैं टीम पटना पैट्स के, जो कि स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी है वहां पर. और साथ ही साथ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे ब्रांड होते हैं जो आते से ही मार्केट में छा जाते हैं, और वो प्रसार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है. इसलिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. प्रसार ने जो काम किया है वाकई कमाल काम किया है. एंड उसी तरह से मैनकाइंड ने जो इन्होंने प्रोडक्ट बताए हैं, उसने आज मार्केट में कहीं पर भी चले जाइए आप उस बात को पाएंगे कि जो चीज इन्होंने दिया है वो वाकई परफेक्ट है. और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात होती है वाकई नंबर वन है इस मामले में. देखिए एसोसिएशन तो अपने अपने, लेकिन जो है सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे ब्रांड को स्टैब्लिश करना सिर्फ सनी से नहीं हो सकता है, सिर्फ एक कंपनी से नहीं हो सकता है, पब्लिक का बहुत बड़ा सहयोग होता है. तो क्या बोलना चाहेंगे, कहां से आपको इतना सपोर्ट मिला? नो, हम लोगों ने क्या सोचा था पहले कि वी अटैक इन बोथ ATL एज वेल एज BTL. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर देयर इन ATL लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, देन प्रिंट मीडिया, and then gradually we have started BTL activities, like we have done campaign in metros, train, buses. Then we have started campaigning in social media, Facebook, Twitter, other. So target the young population, that is our target group. And target group mainly they follow social media. It says that there is a less number of TV watching and more number of Facebook or WhatsApp watching. So we increase that value. सुपर, थैंक यू. निशिता, आप ब्रांड आप पूरा संभालती हैं, मार्केट करती हैं, तो ये सेफ सेक्स के बारे में बहुत सारी बातें करती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में फिर भी इतना प्रमोट नहीं हो पा रहा है. आपको क्या लगता है और क्या क्या जरूरत है सेफ सेक्स की, कॉन्डम की? सी एज अ ब्रांड द ओनली मोटो सेक्स, बट I'm afraid I would like to differ on this point. We are doing aggressive promotion across all the platforms. The brand has now penetrated deeply in the metros as well. So I believe it is present pan India. That is why we are getting the sales. Wow. Thank you guys. बहुत बहुत शुक्रिया. And मैं चाहूंगा कि जिसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर
मैनफोर्स कॉन्डम अपने आप में सेफ सेक्स के बारे में बात करता है, हमेशा कहता है पॉपुलेशन के बारे में, और खासतौर से सबसे बड़ी बात है कि सनी लियोनी जब इसमें हो और उसका कैलेंडर ना हो, उसका एल्बम ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा We'll be right back.